Hello everyone, my name is Verghese Khan. This is day 30 of our road trip to Ladakh and इस वक्त हम बढ़ रहे हैं टुरटुक की तरफ. हम लोग सुबह उधर से तकरीबन 9 बजे निकले थे. सबसे पहले हम लोग थांग गए, वहाँ बॉर्डर व्यू पॉइंट पर कुछ टाइम स्पेंड किया. अभी फ़िलहाल दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड वी आर ऑन आवर वे बैक टू हुंदर, बट रास्ते में हम लोग सबसे पहले जाएंगे टुरटुक विलेज. थांग और टुरटुक के बीच का फासला कोई 10 या 11 किलोमीटर का ही है, तो हमें टुरटुक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा. टुरटुक बेसिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है. जो पहला हिस्सा है उसका नाम है शुटांग, जो बिल्कुल मेन रोड के साथ ही लोकेटेड है, जहां पर हम लोग अभी इस वक्त हैं. गाँव के बाकी 2 हिस्से यूल और फरोल थोड़ी ऊँचाई पर लोकेटेड हैं और वहाँ पहुँचने के लिए आपको अपनी गाड़ी छोड़कर कुछ देर वॉक करना पड़ता है. सो वी स्टॉप्ड एट दिस रेस्टोरेंट टू गेट अ कप ऑफ टी. थोड़ी देर यहाँ रुके, ब्रेक लिया and then we started driving on our way to Farol. Shutang cross करने के बाद आप इस point पर पहुँचते हैं जहाँ पर जो सड़क सीधी जा रही है ये जाती है थांग की तरफ, जहाँ हम होकर आ चुके थे. जो सड़क left में ऊपर की तरफ जा रही है, this is the road that will take you to Yul and Farol part of the Turtuk village. We turned left और तकरीबन 2 किलोमीटर हमने uphill drive किया एंड उसके बाद हम लोग एक point पर पहुँचे जहाँ पर आगे सड़क ख़त्म हो जाती है. वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है एंड एक वुडन ब्रिज है जिसको क्रॉस करने के बाद यू स्टार्ट ट्रैकिंग टुवर्ड्स फरोल विलेज. इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद इफ यू गो इनटू दिस डायरेक्शन तो आप फरोल पहुंचते हैं एंड यू कंटिन्यू ऑन दिस रोड and go to this side of the river, so आप यूल पहुँचते हैं. मोस्ट ऑफ द टूरिज्म हाउएवर फरोल की तरफ ही है एंड नो वन रियली गोज टुवर्ड्स यूल अनलेस यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द विलेज. ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद यू टर्न लेफ्ट एंड दैट इज व्हेन यू एंटर फरोल. 1947 में आज़ादी के बाद ये पूरा रीजन और ये 3 गांव टुरटुक, त्याक्षी एंड थांग, ये पूरा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था एंड फॉर द नेक्स्ट 24 ईयर्स अंटिल 1971 इट रिमेन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. फिर 1971 के वॉर के दौरान इंडियन आर्मी रिकैप्चर्ड दिस एरिया और एक बार ये फिर से हिंदुस्तान का हिस्सा बना. टुरटुक के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ख़ास हो. इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर विलेज ऑफ लद्दाख. एक छोटा सा गाँव है, तंग गलियाँ, यू नो, कच्चे रास्ते, काफ़ी सारे खेत हैं, एक दूसरे से लगे हुए घर एंड दैट इज़ ऑल दैट टुरटुक इज. बट 3 चीज़ें हैं जो इसको लद्दाख के बाकी गांव से थोड़ा अलग करती हैं. पहली चीज़ तो ये कि ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर विलेजेस ऑफ लद्दाख. और अब टूरिज्म आने के बाद तो यहाँ पर काफ़ी मॉडर्नाइजेशन भी देखने को मिलता है. सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पर बहुत हरियाली है. दी एंटायर एरिया इज़ सराउंडेड बाई फील्ड्स और काफ़ी सारी एप्रिकॉट प्लांटेशंस हैं यहाँ पर. तो हरियाली जो लद्दाख में देखने को नहीं मिलती वो आपको यहाँ टुरटुक में बहुत देखने को मिलती है. तीसरा फ़र्क ये है कि वाइल द रेस्ट ऑफ लद्दाख इज़ अ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी रीजन, ये पूरा इलाका टुरटुक, थांग और ये सारे गाँव जो हैं दीज आर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज. अदर दैन इट्स नेचुरल ब्यूटी द प्राइम अट्रैक्शन ऑफ टुरटुक विलेज इज़ अ बाल्टी हेरिटेज म्यूजियम. ये पूरा एरिया इज अ पार्ट ऑफ द चोरबाट रीजन ऑफ बाल्टिस्तान और इस म्यूजियम में कुछ पुराने ज़माने के आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं दैट गिव्स यू एन इनसाइट ऑफ हाउ द लाइव्स ऑफ द पीपल अराउंड हियर वाज इन द एंशिएंट टाइम्स. तो ये जो म्यूजियम है यहाँ पर चीज़ें आपने कहा 400-500 साल पुरानी है अंदाजन. हाँ जी, ये म्यूजियम जो है 140-150 साल पुराना एक मकान है. अच्छा जी, ये मकान है. मकान जो है 140-150 साल के बीच में है, बीच में. अच्छा. ये हमारा दादा परदादों ने बनाया था. अच्छा. इसके अंदर जो जितने पुराने सामान है जी वो तो 400-500 साल पुराना है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है इस गाँव में बसा कर
बहुत सालों से बसे उनका भी सामान है, उनका भी सामान है। आजकल के न्याय कोई सामान नहीं है। सही बात। अच्छा, यहाँ पे पोलो ग्राउंड है, उसके बारे में आपने बताया कि अभी पोलो ग्राउंड था। हाँ, बहुत एक हिस्ट्री पोलो ग्राउंड था। अभी फिलहाल उसमें तो मेटल स्टॉक किया है, सामान वगैरह सारा से फेंका हुआ, सामान पड़े हुए। आजकल तो नया ग्राउंड बनवाया है, वो तो एक रोड साइड पे नीचे नीचे शुतांग में जो है। शुतांग में, हाँ, वो रोड के नजदीक पे नया ग्राउंड बनाया। अच्छा, ये जो हिस्सा है ये फरोल है। हाँ, ये फरोल का हिस्सा है। यूल किस तरफ पड़ता है? यूल जो ब्रिज है ना, लकड़ी ब्रिज, उससे उस पार जो है। अच्छा, है। अच्छा, मतलब ब्रिज आप इस तरफ क्रॉस करेंगे तो आप फरोल हैं, आप ब्रिज क्रॉस नहीं करेंगे उस तरफ जाएंगे तो जाए तो यूल चले जाते यूल, हैं। यूल पहुंच जाते हैं आप। और यहाँ से वाटरफॉल का जो ट्रैक है वो कितना दूर होगा? बेटा, यहाँ से वाटरफॉल का रास्ता जो है 3-4 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तकरीबन 2 घंटे जाना। हाँ, 2 घंटे लगेगा, तो पूरा चढ़ाई में ही। चढ़ाई में अगर आपको देखना चाहो तो मोनेस्ट्री जो है तो वो 1 किलोमीटर तकरीबन है, वो इतना चढ़ाई पे नहीं है। अच्छा, वैसे मोनेस्ट्री वही पाई है, वो जो हमारी गांव दिखता है। अच्छा, पूरा मोनेस्ट्री से पूरा गांव दिखता है। पूरा गांव दिखता है, मस्जिद तो वो नीचे थी ही। हाँ जी, हाँ जी। अदर देन द म्यूजियम, गांव में एक पोलो ग्राउंड है और एक मोनेस्ट्री है दैट यू कैन विजिट। इसके अलावा यहाँ पर पास में एक वाटरफॉल भी है, बट उसके लिए फिर आपको 2-3 घंटे का टाइम निकाल के पहाड़ों में जंगल के थ्रू ट्रैक करके जाना पड़ता है। एंड ट्रैक थोड़ी स्टीप भी है, सो इफ़ यू वांट टू विजिट द वाटरफॉल जस्ट कीप दैट इन माइंड। ये वो जगह है जो एक वक्त पर यहाँ का पोलो ग्राउंड हुआ करता था, बट अब तो कंस्ट्रक्शन हो चुका है, पूरा कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा है और अब यहाँ इस वक्त कुछ नहीं है। अगर एकोमोडेशन की बात करें तो टूरटुक में एज सच कोई होटल्स या फिर गेस्ट हाउसेज वगैरह तो नहीं हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे होम स्टेज हैं वेयर यू कैन स्टे विद द लोकल फैमिली एंड स्पेंड अ नाइट और टू इन द विलेज। एंड दैट वाज इट, दैट वाज आवर विजिट टू टूरटुक विलेज। वी स्पेंड अबाउट 2 आवर्स इन द विलेज एंड उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले एंड ड्राइव बैक करके शाम तक वी अराइव्ड बैक इन होंडर। ऑलराइट, सो टूरटुक डन, वी आर नाउ बैक इन होंडर। शाम हो रखी थी, सोचा होटल जाके भी क्या करना है, तो हम लोग उधर सैंड ड्यून्स के पास में। सो सम ऑफ द टूरिस्ट एक्टिविटीज दैट यू कैन डू आउट हियर इन सैंड ड्यून्स, वन इज आर्चरी, जो कि एज ऑफ टुडे 100 रुपये में 5 एरोज। एंड वो वहाँ पर सारे कैमल्स बैठे हैं एंड यू कैन गो फॉर अ कैमल राइड लाइक दैट। दैट विल कॉस्ट यू ₹350 फॉर अ राइड ऑफ अबाउट 10-15 मिनट्स एट मोस्ट। सो आई ट्राइड आर्चरी, आई सक्ड एट इट, कैमल राइड करने का मूड भी नहीं था, सो ऐसे ही बस वॉक कर रहे हैं। एंड वुड यू बिलीव इट कि एक्चुअली शाम के 7:45 बजे हुए एंड सी द अमाउंट ऑफ लाइट।